तो ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हमने इंशाल्लाह आपको ये बताना है कि आपने किस तरह से अपना डिलीवरी टेम्पलेट सेट करना है और तो किस तरह एडिट करना है। तो अब हम अपने डिलीवरी वाले टैब के ऊपर आ गए हैं। पर्सनलाइजेशन के अंदर आप अगर कुछ इंट्रोडक्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे आपने उधर डिटेल्स डालनी है, ठीक है, पोस्टेज प्राइस डालने के कितने है कैलकुलेट करके आपने आई विल, अगर आप खुद करेंगे तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो वो भी ठीक है। यहाँ पे आपने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है कितने दिन के अंदर कस्टमर तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कैनडा डिलीवरी सर्विस लिखनी है, ठीक है। फ्री डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी प्रोफाइल कैनडा शॉपिंग टेम्पलेट, ठीक है। ये आपके लिए अपनी वो आसानी के लिए हमने इसको किया है, वरना आप इसको वैसे कुछ और करना चाहें तो भी ठीक है। नेक्स्ट हमने आना है, ये देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको बोल्ड का साइज लिखना है, डिलीवरी ऑप्शन हो गया। उसके बाद वेट वगैरह लिखेंगे जो उसका एक्चुअल वेट है, और साइज और आपने वेट बिल्कुल एक्चुअल डालना ताकि जो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो बिल्कुल ओके शो। तो यहाँ पे ये देखें नेक्स्ट पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, तो ये देखें लिस्टिंग तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, हाफ कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से आपने अपना बैंक डिटेल डालनी है, वो कह रहा हो यू विल गेट पेड, मतलब ये कि इट से आपको जब ये आपका यूनिट सोल्ड हो तो आपको किस तरह पे करें, आपका इंडिविजुअल अकाउंट है या इनकॉर्पोरेट बिजनेस है। अगर आप इंडिविजुअल डिटेल्स को बना रहे हैं तो इंडिविजुअल लिखेंगे, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या एलएलसी या कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड है तो आप कॉर्पोरेशन लिखेंगे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने करनी है बैंक डिटेल, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कंट्री ऑफ एड्रेस, उसके बाद ये देखें, ठीक है। तो उसके बाद हमने बैंक नेम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे डालनी है, एड्रेस वगैरह डालना है। उसके बाद टैक्स पेयर आईडी, ये देखें यहाँ से कंट्री मैंने कैनेडा सेट किया। उसके बाद फुल नेम, लास्ट नेम मैंने इसको कर दिया ब्लर ताकि ये प्राइवेट ही रहे। उसके बाद यहाँ से सारी डिटेल्स पुट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जिस बंदे का नेम का ये अकाउंट है जिस बंदे का, तो उसी नेम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप कंपनी में बना रहे हैं तो कंपनी नेम और कंपनी बैंक अकाउंट भी सेम होना चाहिए। तो उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, उसके पूछ रहा है टैक्स पेयर एड्रेस, जो जिस बंदे का एड्रेस है वो उसके यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस लिखने के बाद ये देखिए सारी डिटेल, पोस्ट कोड, स्ट्रीट नंबर, उसके बाद स्टेट नेम, यहाँ पर सारा कुछ हम मैंशन कर देंगे। यहाँ से कंट्री मैंशन करेंगे कि बैंक आपको कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर बैंक नेम, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, अकाउंट नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने पुट कर देनी है। तो जब आप डिटेल्स पुट कर दोगे तो जितनी अमाउंट है वो आपके सारी बैंक अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हम ऐड कर देंगे बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों ऐड करते हैं। बिलिंग एड्रेस वो होता है जिस नंबर पर आपको पेमेंट आती है,